वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट 4, मॉनिटर एंड डिस्प्ले एडेप्टर्स। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और इट इज़ आल्सो नोन एज सीआरटी मॉनिटर। सो कैथोड रे ट्यूब, the CRT monitor is a display screen which produces images in the form of video signal. It is a type of vacuum tube which displays images when the electron beam through electron gun or strikes on the phosphorescent surface or fluorescent surface. So, CRT monitor है, वो क्या करता है? वीडियो सिग्नल्स की मदद से इमेज प्रोड्यूस करता है। इस ये पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, यानी इस पोर्शन स्क्रीन के इस पोर्शन पे इमेज प्रोड्यूस करता है। वो एक वैक्यूम ट्यूब टाइप का है जो इमेज डिस्प्ले करता है, लेकिन वो काम किससे करता है? इलेक्ट्रॉन बीम। सो ये जो पार्ट है इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन बीम थ्रो करेगा टुवर्ड्स द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है उसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं, और ये इधर जो मटेरियल यूज होता है वो है फॉस्फरस यूज होता है, दैट इज फॉस्फरेंट सरफेस ऑल्सो इट इज कॉल्ड। इन अदर वर्ड्स द सीआरटी जनरेट्स द बीम्स, एक्सीलरेट्स इट एट हाई वेलोसिटी एंड डिफ्लेक्ट इट फॉर क्रिएटिंग द इमेजेस ऑन द फॉस्फरस स्क्रीन सो दैट द बीम बिकम्स विजिबल। सीआरटी क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेगा, बहुत ही हाई स्पीड में होगा, और वो क्या करेगा कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन और डिफ्लेक्ट भी करेगा। मीन्स ये जो उसकी नॉर्मली जो उसका रे का जो वे है वो ऐसा सीधा जाएगा, बट वो डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि स्क्रीन के किसी भी पोर्शन में आपकी इमेज डिस्प्ले होगी। सो डिफ्लेक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स इज डन, और कहाँ पे होगा? तो फॉस्फोरस स्क्रीन पे होगा, ताकि बीम हमको एक पिक्चर डिस्प्ले करवा सके। तो अब आप एक बहुत ही जल्दी देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो फिर डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स है, जिनको हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग, और ये क्या कहें, डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स बोलेंगे या फिर डिफ्लेक्टर्स भी बोलेंगे, और इसको एक्स एंड वाई प्लेट्स भी बोलेंगे, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। और ये जो है वो है एनोड, और ये है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन बीम, ये है कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन गन है, और है कंट्रोल ग्रिड हीटर। सो ये जो है वो सारे कंपोनेंट्स हैं सीआरटी के। नाउ कंस्ट्रक्शन, द इलेक्ट्रॉन गन इज मेड अप ऑफ कैथोड, a negatively charged metallic electrode and one or more anodes, positively charged electrodes. yani anode aur cathode dono hi available rahenge CRT ke andar, jisse ki electric current ya fir bol sakte electric electrons ko hum travel karwa sake. the cathode gun or you can say electron gun emits the electrons attracted by the anode acts as an accelerator and concentrator for the electrons, forming a flow of electrons aimed at the screen. Means cathode क्या, cathode का काम है सिर्फ emit करना, send करना। anode क्या करेगा? सारे electrons को accelerate करेगा, accelerate यानी उसकी speed बढ़ाएगा, और concentrate करेगा, concentrate यानी इकट्ठा करेगा, और एक particular direction में उसको सेंड करेगा, और जहाँ पर आपकी इमेज को फॉर्म करना है, पर्टिकुलर पोजीशन एट विच योर इमेज हैज़ टू बी फॉर्म्ड, द एनोड एक्सेलरेट्स डायरेक्ट्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स द इलेक्ट्रॉन बीम। अ मैग्नेटिक फील्ड गाइड्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है? वो गाइड करती है कि किस तरफ जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, टॉप टू बॉटम जाना है, कहाँ जाना है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किससे प्रोड्यूस होगी? तो इलेक्ट्रिफाइड एक्स एंड वाई प्लेट से, जो कि डिफ्लेक्टर्स हैं।
विच सेंड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि एनोड और कैथोड रहेंगे सीआरटी मॉनिटर के अंदर. एस कैथोड का काम है वो इलेक्ट्रॉन बीम को थ्रो करेगा, और एनोड क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको कॉन्सेंट्रेट करेगा और डाइवर्ट करेगा पर्टिकुलर पोजिशन पे. और एक्सीलरेटर से एनोड का दूसरा काम रहेगा एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है उसको बढ़ाएगा, जिससे कि बहुत ही फास्ट या बहुत ही कम टाइम में वो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को टच हो जाए. और ये पूरा जो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन बीम्स को जो मूव करना है वो कौन गाइड करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड गाइड करेगी. और मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट होगी, तो एक्स एंड वाई प्लेट्स जो जिसको कहते हैं डिफ्लेक्टर्स या फिर बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स, उसकी मदद से गाइडेंस मिलेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसको हम स्क्रीन के ऊपर थ्रो करवाएंगे. द स्क्रीन इज कवर्ड विद अ फाइन लेयर ऑफ फॉस्फोरेंट एलिमेंट्स कॉल्ड फॉस्फर्स. आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो स्क्रीन के ऊपर जो एक लेयर बनी है वो फॉस्फोरेंट एलिमेंट है, या इसको फॉस्फरस भी कहते हैं, विच एमिट्स लाइट बाय एक्साइटेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक देम क्रिएटिंग अ लिट अप डॉट कॉल्ड अ पिक्सल. यानी जब भी स्क्रीन को टच करेगी इलेक्ट्रॉन बीम तो एक छोटा सा डॉट क्रिएट हो जाएगा जिसको पिक्सल बोलेंगे. ओके तो इलेक्ट्रॉन गन में से आएगी, कैथोड उसको थ्रो करेगा, एनोड उसको कॉन्सेंट्रेट और एक्सेलरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको गाइड करेगी. जब वो फॉस्फोरेंट लेयर पे फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन बीम, तब वहाँ पर एक टाइनी डॉट क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे पिक्सल. सो सीआरटी मॉनिटर कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी रेड ग्रीन एंड ब्लू फॉस्फर डॉट्स दैट ग्लो व्हेन स्ट्रक बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम. जो भी डॉट पे स्ट्रक होगी इलेक्ट्रॉन बीम वो ही डॉट ग्लो करने लगेगा, एंड सर्टेनली इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. स्कैन पैटर्न गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन डाउन टू द नेक्स्ट रो वंस दे रीच द एंड मीन्स इन सीआरटी मॉनिटर स्कैनिंग डन इज कॉल्ड रास्टर स्कैनिंग. राइट, सो रास्टर स्कैनिंग इज द स्कैनिंग मेथड दैट इज यूज्ड इन सीआरटी from left to right and finally from right corner to topmost left corner. So here you can see, here it is electron gun, red, green and blue electron guns are there. You can see in detail electron emitting cathode, then accelerating anodes, heater is there in that, insulator so that जो हीट जो है वो बाहर डिसिपेट ना हो सके, ग्लास नेक ट्यूब, ये जो ट्यूब है वो ग्लास का होगा, फिर अंदर ग्रेफाइट रहेगी एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम. नाउ दीज आर डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स, डिफ्लेक्शन योक, जो ऊपर जो ये जो पार्ट दिख रहा है वाइट कलर का, ये है डिफ्लेक्शन योक. और ये दोनों क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम डाइवर्ट होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक डॉट क्रिएट होगा. सो दिस इज बेसिकली अ पिक्सेल. तो आप ये देख सकते हो ये फॉस्फर कोटिंग ऑन ब्लैक स्क्रीन है, रेड बीम आई, ग्रीन बीम है और ब्लू बीम है, तीनों ने मिला के अलग अलग पिक्सल जनरेट किया. दिस इज अपर्चर ग्रिल एंड दिस इज ग्लास ट्यूब फेस जो हम देखते हैं. सो बेसिकली जो इमेज फॉर्म होगी वो इस लेयर में फॉर्म होगी, और जो हम देखेंगे वो इधर देखेंगे थ्रू द ग्लास ट्यूब फेस. हियर यू कैन सी द वर्किंग ऑफ सीआरटी मॉनिटर. इलेक्ट्रॉन बीम इज थ्रोन, देन दीज टू आर एनोड्स आर एक्सीलरेटिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग, दीज आर गाइडिंग टू वेयर टू मेक एन इमेज. सो दिस इज बेसिकली द वर्किंग ऑफ सी आर टी मॉनिटर. नॉट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, द नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट द स्क्रीन कैन डिस्प्ले, द नंबर इज जनरली बिटवीन 640 टू 480, दैट इज 640 पिक्सल्स लॉन्ग एंड 480 पिक्सल्स वाइड एंड
00 दैट इज 1600 टू 1200। दो तरह की स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल होती है नॉर्मली सीआरटी में, 640 बाय 480 और 1600 टू बाय 1200। साइज, दिस इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द डायगोनल ऑफ द स्क्रीन एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द इंचेस, यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू डाउन राइट कॉर्नर से पूरा जो इंच जो पूरा एक डायगोनल फॉर्म होगा उसमें कितने नंबर ऑफ इंचेस है, दैट इज द साइज ऑफ योर मॉनिटर। डॉट पिच, डिस्टेंस विच सेपरेट्स टू फॉस्फर्स ऑफ द सेम कलर, राइट। तो ये भी एक उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। एंड कंटिन्यू, द कलर, द लोअर द डॉट पिच द बेटर द इमेज क्वालिटी। हमने आगे भी पढ़ा था जितना दो पिक्सल के बीच में कम डिस्टेंस होगा उतना अच्छा इमेज क्वालिटी बनेगा। अ डॉट इक्वल टू और लेस देन 0.25 mm विल बी कम्फर्टेबल टू यूज, वाइल मॉनिटर्स विथ अ डॉट पिच इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.28 mm शुड बी अवॉइडेड। यानी अगर जिसमें डॉट पिच 0.25 mm या उससे कम है तो हम ऐसे मॉनिटर हमें यूज़ करने चाहिए, न कि 0.28 mm। रिजोल्यूशन, दिस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर सरफेस यूनिट, दिस इज एब्रिविटेड एज DPI फॉर डॉट्स पर इंच। अ रिजोल्यूशन ऑफ 300 DPI मीन्स कॉलम्स एंड 300 रोज ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच, विच मीन्स दैट देर आर 90,000 पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच। रिफ्रेश रेट, नंबर ऑफ इमेजेस विच आर डिस्प्लेड पर सेकेंड और मोर प्रिसाइजली द नंबर ऑफ टाइम्स द इमेज इज रिफ्रेश्ड ईच सेकेंड दैट इज रिप्रेजेंटेड इन। नाउ वी आर कमिंग टू एडवांटेजेस, द कैथोड रे ट्यूब कैन ईजीली इंक्रीज द मॉनिटर्स ब्राइटनेस बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट, दे प्रोड्यूस मोर कलर्स। द कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स हैव लो प्राइस रेट दैन LCD डिस्प्ले और प्लाज्मा डिस्प्ले। The quality of image displayed on cathode ray tube is superior to LCD and plasma monitors. Means CRT जो image display करती है उसकी quality LCD और plasma monitor से better है। The contrast features of cathode ray tube monitors are highly excellent. Disadvantages: they had big back and take up space on desk. Means it is quite clear, it is very big in size. The electromagnetic fields emitted by CRT monitors constitutes a health hazard to the functioning of living cells. Means it is hazardous to living cells like human bodies. CRTs emit a small amount of X-ray band radiation which can result in health hazard. Constant refreshing of CRT monitors can result in headache. So, जो पुराने CRT TV में जो हम देखते थे बहुत टाइम तक, तो एक headache की शिकायत आती थी। CRT operate at very high voltage which can overheat system or result in an implosion. Within CRT, a strong vacuum exists in it and can also result in implosion. They are heavy to pick up and carry around. So these are the references, and if you have any doubt, then you can just visit these websites also. And to my students, they have my they can contact me anytime. And thank you for watching this video. Okay.